मुंह का कैंसर कैसे होता है, आज इस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ। काफी सारे लोगों को हमने देखा है कि नॉर्मल एक सिंपल सा अल्सर या तो मुंह में छाला होता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत दर्द और जलन होता है, और लोग टेंशन के मारे हैरान हो जाते हैं कि हमको कहीं ओरल कैंसर या तो मुंह का कैंसर तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे खास तौर पर जिनको तंबाकू की हैबिट, पान मसाला गुटखा की हैबिट की वजह से अगर उनका मुंह कम खुल रहा है, तो सबसे कॉमन सिनेरियो में उन लोगों में आगे जाके मुंह का कैंसर कैसे होता है, और खास करके अगर किसी का मुंह कम खुल रहा है तो उनको बचाव के तौर पे यानी कि प्रिवेंशन के तौर पे ऐसी कौन सी जो है वो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए कि जिसकी वजह से उनको मुंह का कैंसर होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाए। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा, अगर वीडियो में नए हैं या तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना देरी के करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ये क्लिनिकल माउथ ओपनिंग सर्जरी के फोटोग्राफ के साथ। इनको माउथ ओपनिंग है वो कुछ 20 mm के करीब था, यानी कि डेढ़ उंगली जा रही थी, जिनको हमने माउथ ओपनिंग सर्जरी करके 4 फिंगर या तो 40 mm जितना माउथ ओपनिंग दिया था। आपको लगेगा इनका मुंह का कैंसर के साथ क्या लेना देना है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, जिनका मुंह कम खुलता है उनकी कंडीशन को हम बोलते हैं OSMF यानी कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये खुद ही एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है कि अगर जिसका मुंह कम खुलता है उनको ओरल फाइब्रोसिस तो है, लेकिन उनको आगे जाके कैंसर होने के चांसेस कुछ 7% to 30%, यानी कि अगर रिसर्च की माने तो हाईएस्ट 30% तक ओरल कैंसर होने के चांसेस होते हैं अगर किसी का मुंह कम खुल रहा है। तो ये कैसे होता है ओरल कैंसर, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कि ये पेशेंट का मुंह कम खुल रहा है, तो जनरली क्या होता है कि हम पान फाकी या तो गुटखा या तो पान मसाला कुछ भी चबाते हैं, तो हमारे जो टॉक्सिन्स है, जो भी गुटखा या तो पान मसाला खाते हैं उसके टॉक्सिन्स है, वो गाल के स्किन के अंदर धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि उसका इफेक्ट वो धीरे धीरे करके पता चलता है। अब सबसे पहला चेंज क्या आता है, तो जैसे ही कुछ अरसे तक अगर किसी ने टोबैको की हैबिट यानी कि पान मसाले या तो गुटखा मुंह में रखने की शुरुआत की, तो कुछ अरसे बाद उनके बाहर की जो गाल की स्किन है उसका कलर धीरे धीरे चेंज होता है। तो सबसे पहला चेंज है कलर चेंज। क्या होता है, तो कि जैसे ही टॉक्सिन्स अंदर जाते हैं तो अंदर के ब्लड वेसल्स है यानी कि जो रुधिर वाहिनी है वो धीरे धीरे करके श्रिंक होती है, तो कलर जो है वो नॉर्मली पिंक कलर रहना चाहिए हमारे ओरल स्किन का, वो आगे जाके धीरे धीरे करके पेल वाइट या तो व्हाइटिश यानी कि धीरे धीरे करके के सफेद होता चला जाता है। अब आगे जाके वो भी वही सेम केस, अगर आगे जाके वो अगर टोबैको की हैबिट कंटिन्यू करता है तो सेकंड चेंज आता है, उसको बोलते हैं हम ओरल फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस यानी कि मुंह के पैक होने की शुरुआत या तो मुंह कम खुलने के जो लक्षण है उसकी शुरुआत होती है। अब इस केस में क्या होता है कि जैसे ही मुंह हमारा कम खुलने लगता है तो आगे से तो हम मेजर करके देखते हैं कि हमारा मुंह 2 फिंगर्स या तो डेढ़ उंगली जितना खुलता है, लेकिन पीछे जाके वो जो कंडीशन है वो हार्डली 1/2 फिंगर जितना माउथ ओपनिंग होता है। और इस कंडीशन में जो पेशेंट्स को अक्कल दाढ़ आती है, अक्कल दाढ़ यानी कि नॉर्मल तौर पे जो सबसे आखिरी वाला दाढ़ रहता है मुंह के अंदर का, या तो थर्ड मोलर या तो विजडम टूथ भी हम बोलते हैं, वो अक्कल दाढ़ की परेशानी ये केस में खास करके होती है। होता क्या है कि एक तो पहले से ऑलरेडी पेशेंट को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, और उनको अक्कल दाढ़ की वजह से दोनों कंडीशन के क्रॉस रिएक्शन की वजह से धीरे धीरे मुंह ज़्यादा पैक हो जाता है। यानी कि सबसे पहले जब कोई भी पेशेंट है वो अपनी टोबैको की हैबिट स्टार्ट करता है तो जो है वो शुरू शुरू में सबका 3.5 से 4 उंगली यानी कि 35 to 40 mm खुलता है, वो धीरे धीरे करके कम होता है। लेकिन वही पेशेंट को जैसे ही अक्कल दाढ़ आती है, जो उनके आने की जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होती है, तो तुरंत ही उसके क्रॉस रिएक्शन की वजह से मुँह है वो काफ़ी कम समय में आधा जितना पैक हो जाता है, यानी कि 35 mm से सीधा 15-20 mm तक मुंह ये वो खुलना कम हो जाता है। और इस केस में क्या होता है कि बाद में जो ये अक्कल दाढ़ है उसका इरिटेशन चालू हो जाता है स्किन के अंदर के पोर्शन में। ये इरिटेशन है वो क्यों होता है, तो क्योंकि जो भी पेशेंट की टोबैको की हैबिट या तो पान फाकी चबाते रहते हैं उनको जो दाढ़ के पोर्शन रहते हैं वो धीरे धीरे करके शार्प हो जाते हैं, यानी कि जो कोई भी दाढ़ की सर्फेसिस है वो टोबैको की हैबिट की वजह से धीरे धीरे करके शार्प होने के बाद वो स्किन के साथ इरिटेशन होना स्टार्ट करती है। और ये इरिटेशन की वजह से पहले जो भी है वो नॉर्मल अल्सर की समस्या होती है, यानी कि मुंह में छाला पड़ता है। अब ये जो छाला है वो धीरे धीरे करके बर्निंग सेंसेशन यानी कि थोड़ा बहुत दर्द और जलन की समस्या के साथ पेशेंट हमको प्रस्तुत होते हैं। और काफ़ी सारे पेशेंट्स इस केस में क्योंकि प्रॉपरली डायग्नोस नहीं होता है तो अल्सर की मेडिसिन यानी जो भी मल्टीविटामिन या तो कोई भी ऑइंटमेंट लगा के ये कंडीशन के साथ कंटिन्यू
करते हैं, और जब भी छाले की समस्या होती है तो कोई भी नए डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, विटामिन की टैबलेट्स या तो कुछ भी ऑइंटमेंट क्रीम लगाते हैं और यही कंडीशन के साथ बरकरार रहते हैं। लेकिन यहीं पे ही प्रॉब्लम की बात शुरुआत होती है कि ये जो क्रॉनिक इरिटेशन है वो जैसे ही लंबे अरसे तक मौजूद रहता है तो ये अंदर की जो स्किन का पोर्शन है उसके अंदर के नर्व्स को जो है वो धीरे धीरे करके डिवाइटलाइज करता है। यानी कि जब शुरू शुरू में जो छाला दर्द करता है वो आगे जाके जब उसकी अंदर की नर्व्स डिवाइटलाइज हो जाती है तो वो छाला दर्द करना बंद कर देता है। और यही कंडीशन जब पेशेंट को जलन हो तो दर्द नहीं होता है तो कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास या तो डेंटिस्ट के पास कंसल्ट करना पसंद नहीं करता है। और वही क्रॉनिक इरिटेशन यानी कि जो अक्कल दाढ़ का या तो मुंह की आखिरी की जो भी दाढ़ रहती है उसका छाले के साथ इरिटेशन कंटिन्यू होता है और उसमें से धीरे धीरे करके 6 महीना साल भर या तो 2-3 साल में ऐसा बड़ा सा छाला हो जाता है जिसको बोलते हैं हम नॉन हीलिंग अल्सर। जो आप अच्छे से अगर फोटो में फोकस करके देखेंगे तो पता चलेगा कि एक बड़ा सा छाला है और उसमें जो उसके एजेस है जो बॉर्डर से वो थोड़े इवर्टेड है यानी कि थोड़ा उपसा हुआ है। और ये पेशेंट को एग्जैक्टली ये कंडीशन को बोलते हैं ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ओरल कैंसर जब भी होता है तो पेशेंट को पेन नहीं होता यानी कि दर्द नहीं होता, इट इज अ पेनलेस कंडीशन। और उसी की वजह से ये पेनलेस कंडीशन है तो कैंसर के स्टेज आने तक पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। और बाद में जब थोड़ा वजन कम होना स्टार्ट होता है या तो बॉडी में थोड़ी वीकनेस या तो थोड़ा फीवर की जो सिम्टम्स रहते हैं और या तो मुंह थोड़ा ज्यादा ही कम खुलता है तो उस केस में पेशेंट जाके डॉक्टर के पास दिखाता है, अपने जो डेंटिस्ट हो बायोप्सी करते हैं या तो सिटी स्कैन करते हैं और बाद में ये ओरल कैंसर डिटेक्ट होता है। तो खास करके यहाँ पे जिसका भी मुंह कम खुलता है और जिन्होंने अपनी टोबैको की हैबिट की वजह से मुंह कम खुल रहा है उनके लिए मैं ये प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगा कि अगर फ्रेंड्स आपका मुंह कभी भी कम खुलता है या तो आप तंबाकू कंटिन्यू करते हैं तो खास करके आज ही आपने डेंटिस्ट के पास ओरल चेकअप कराए। और कोई भी ऐसी अक्कल दाँत है या तो लास्ट वाली दाँत है जिसकी वजह से क्रॉनिक इरिटेशन हो रहा है या तो मुँह में छाले या तो जलन की समस्या है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। क्योंकि यहाँ पर प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी ये है कि हम जब जनरली कोई भी जो पेशेंट्स का मुंह कम खुलता है उनकी अक्कल दाट निकालने का सजेस्ट करते हैं ताकि पेशेंट का क्रॉनिक इरिटेशन कम हो जाता है और उसकी वजह से आगे जाके ओरल कैंसर होने के चांसेस है वो 90% से 95% तक कम हो जाते हैं। यानी कि आगे जाके अगर पेशेंट को हेल्दी लाइफ कंटिन्यू करना है तो उनके लिए उनकी अक्कल दाट का समय पर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पेशेंट का फोटोग्राफ हमने आपको सबसे पहले बताया उनकी माउथ ओपनिंग सर्जरी तो हमने की थी लेकिन उसके साथ उनकी चारों अक्कल दाढ़ को हमने निकाल दिया था ताकि आगे जाके उनको ओरल कैंसर होने के चांसेस कम हो जाए और वो नॉर्मल हेल्दी लाइफ कंटिन्यू कर सके। साथ ही में खास करके ये ध्यान रखना होता है कि जिस कंडीशन के कारण यानी कि तंबाकू की हैबिट के कारण अगर किसी का मुंह कम खुल रहा है तो खास फ्रेंड्स टोबैको हैबिट को आज ही छोड़ दीजिए। उसके रिलेटेड कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है या तो किसी को अल्कोहल लेने की आदत है तो खास करके उसको बंद कर देना है क्योंकि ये कोई भी चीज़ हमारी इम्यूनिटी को भी कम करती है और उसमें से आगे जाके कैंसर होने का खतरा और बढ़ते चले जाता है। तो फर्स्ट प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी अपनी टोबैको हैबिट को बंद करें आज ही, अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करें और कहीं पे भी क्रॉनिक इरिटेशन अगर आपके मुंह में यानी कि कोई भी अक्कल दाढ़ है जिसकी वजह से समस्या हो रही है तो छाले की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आज ही निकलवा दे ताकि आगे जाके ओरल कैंसर होने की समस्या का किसी को सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने समझा एग्जैक्टली मुंह का कैंसर कैसे होता है और अगर फ्रेंड्स किसी को तंबाकू की वजह से मुंह कम खुल रहा है तो उनको अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करके क्या सावधानी या तो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।